नमस्कार बच्चों मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा हम पढ़ते हुए आ रहे थे हमारा चैप्टर एवोल्यूशन लास्ट क्लासेस में हमने बात करी है हमारे एवोल्यूशनरी एविडेंसेस की वो प्रूफ जो हमारे को बता कर जाते हैं कि जो एवोल्यूशन हुआ है वो सीरियसली एक्चुअल में हुआ है और हमारे को बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी मिले जो हमारे को ये बताते कि जो ऑर्गेनिजम्स पहले थे जो हमारे एंसेस्टर्स थे जिनके हमारे को फॉसिल्स मिले हैं या कोई ऐसा एविडेंस मिला है जो उनके एग्जिस्टेंस को प्रूफ करता है उनसे आज के एनिमल्स में क्या है बहुत सारी सिमिलैरिटीज है इन सभी को हमने काफी सारे अलग अलग एविडेंसेस से पढ़ा पिलियॉन्टोलॉजिकल एविडेंसेस जहाँ हम फॉसल्स का हम काम लेते हैं दूसरा हमने बात करी हमारे कंपेरिटिव इनाटोमी एंड मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में जहाँ पर हमने क्या पढ़ा था हमने हमारे ऑर्गन्स को कंपेयर किया था इंटरनल ऑर्गन्स को जैसे हार्ट ब्रेन उनमें कम्पेरिजन किया एक्सटर्नल ऑर्गन्स में लिम्स एंड विंग में कम्पेरिजन किया फिर हमने बात करी थी हमारे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस की जहाँ पर हमने देखा कि अगर हमारे पास में जो एम्ब्रियोज़ हैं अलग अलग क्लासेस से हम एम्ब्रियो लेकर आए थे और उनमें हमने देखा स्पेशली वर्टिब्रेट एम्ब्रियो में हमने देखा कि एक स्टेज पे जो हमारे वर्टिब्रेट एम्ब्रियो हैं वो बिल्कुल एक जैसे नजर आते हैं राइट right. एंड फिर हमने ये देखा कि बहुत बार क्या होता है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सारे वर्टिब्रेट्स में होते हैं लेकिन वो फंक्शनल सिर्फ एक ही एडल्ट में रहते हैं वर्टिब्रेट के और इसका क्या एग्जांपल था हमारे गिल इतनी बातें याद आ रही हैं आपको उसके बाद हमने बात करी थी मॉलिक्यूलर होमोलॉजी की जहाँ पर हमने हमारे मॉलिक्यूल्स जो हमारा क्या बनाते हैं बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन्स बनाते हैं जो हमारे फंक्शनल सेगमेंट्स है डीएनए के हमारे जीन्स वो क्या है वो हम सब में डीएनए के हिसाब से चले आ रहे हैं लास्ट क्लास में हमने बात करी थी हमारे डीएनए एज अ जेनेटिक मटीरियल की और वहाँ ही हमने बात करी थी जेनेटिक कोड की आ रही है बात समझ में और हमने ये भी बोला था कि जो जेनेटिक कोड हमारे ह्यूमंस में फॉलो होता है वही जेनेटिक कोड दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी फॉलो होता है सिर्फ कुछ जगह पर क्या आते हैं एक्सेप्शन आते हैं बात समझ में आ रही है तो यहां हम ये बोल रहे थे कि वी आर लिंक्ड टू अ कॉमन एंसेस्टर येस और नो वी आर लिंक टू अ कॉमन एनसेस्टर और जब हम कॉमन एनसेस्टर्स के साथ में लिंक्ड हैं तो हम उन्हीं के जैसे दिखेंगे उन्हीं के जैसे हमारे अंदर चीजें भी होंगी यही हमने बात करी थी बायो जियो ग्राफिकल एवोल्यूशन में भी बायोजियोग्राफिकल एविडियो एविडेंस जो हमारे पास था उसमें हमने देखा था कि जो हमारी क्या थी रेटाइट्स थी वो एक ही लैंड पे रहती थी गोंडवाना आइलैंड पे रहती थी ठीक है गोंडवाना जो हमारा लैंड था उस पर रहती थी एंड जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो वो ड्रिफ्ट होने की वजह से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स क्या हो गए सेपरेट हो गए अब सेपरेट होने की वजह से रैटाइट्स भी अलग हो गए और रैटाइट्स ने एक नया अडेप्टन ले लिया जिस जगह वो रह रही थी उन्होंने अपनी नीड्स के हिसाब से इवॉल्व किया और वह वहीं के हिसाब से बन गई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है तो ये हुआ हमारा बायो बायोजियोग्राफिकल एविडेंस फॉर एवोल्यूशन इसी के ही चलते हमारे पास में दो आते हैं दैट इज रेडिएशन एंड रेडियन कन्वर्जेंस इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जिसमें से हम किसकी बात ऑलरेडी कर चुके हैं इन दोनों की ही बातें हम थोड़ी थोड़ी कर चुके हैं अगर हम बात करें हमारे अडेप्टिव रेडिएशन के बारे में तो आप नाम से मुझे बताओ कि अडेप्टिव रेडिएशन क्या होगा ठीक है सबसे पहले तो रेडिएशन क्या होता है रेडिएशन का अगर हम बेसिक मतलब समझे तो रेडिएशन कुछ है कि जो एक पॉइंट से दूसरी डायरेक्शन में भागे एक पॉइंट से क्या होंगी दूसरी डायरेक्शन में भाग रही हूं इनको हम क्या बोलेंगे इनको हम बोलेंगे रेडिएशन अब मुझे फटाफट से याद करके बताओ ऐसा डायग्राम हमने कहां बनाया था क्या आपको याद आ रहा है कि ऐसा डायग्राम हमने होमोलोगस ऑर्गन्स में बनाया था जहां हमने ये बोला था जहां हमने क्या बोला था जहां हमने ये बोला था कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो तो क्या है स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है लेकिन उनसे क्या हो रहे हैं हमारे फंक्शन अलग अलग हो रहे हैं किसी का ए फंक्शन है किसी का उसी स्ट्रक्चर से कोई दूसरा फंक्शन है किसी का उसी स्ट्रक्चर से तीसरा फंक्शन है ऐसे हमारे पास में हमारे को क्या मिल रहे थे वेरिड फंक्शन मिल रहे थे क्या मिल रहे थे वेरिड फंक्शन मिल रहे थे यस और नो यस और नो राइट बात समझ में आ रही है तो मतलब कि हम स्ट्रक्चर तो एक जैसा ही लेकर आ रहे हैं लेकिन उन स्ट्रक्चर के अपनी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग क्या हो रही है यहां पे मान लो हमने क्या कौन सा एग्जाम्पल देखा था याद करो फटाफट से होमोलोगस ऑर्गन में हमने चार ऑर्गेनिज्म का क्या देखा था एग्जाम्पल देखा था कौन से चार ऑर्गेनिज्म थे याद करके बताओ फटाफट एक हमारे पास कौन था मैन था एक हमारे पास कौन था चीता था एक हमारे पास में कौन थी वेल थी एंड दूसरा हमारे पास में कौन था बैट था इन सबके हमने क्या कंपेयर किए थे इन हमने थे कि yes no. नहीं करे थे तो वैसे ही अब क्या हुआ मैन में जो फोर लिम था वो किसके लिए काम आ रहा था ग्रेस्पिंग के लिए काम आ रहा था राइट एंड चीता में जो फोर लिम था वो किसके लिए काम आ रहा था रनिंग के लिए काम आ रहा था बात समझ में आ रही है एंड वेल में जो था फोर लेम वो स्विमिंग के लिए काम आ रहा था ठीक है एंड बैट में जो था वो फ्लाइंग के लिए काम आ रहा था आई बात समझ में तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर जो फोर लिम के स्ट्रक्चर्स है वो तो सबके सेम थे ना जो फोर लिम था वो किससे बना हुआ था हमारा यूमरस बोन से बना हुआ था ह्यूमरस बोन से बना हुआ था साथ ही किससे बना हुआ था रेडियस से बना हुआ था अल्ना से बना हुआ था राइट right? कार्पल्स थे एंड क्या थे मेटा कार्पल्स थे कार्पल्स एंड मेटा कार्पल्स थे हमारे पास में और मेटा कार्पल्स के आगे क्या था Phalanges था यही पूरा स्ट्रक्चर था जो हमारे पास है मैन में पूरा यही स्ट्रक्चर था लेकिन इनमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास में अलग अलग नीड थी अब मैन का नीड क्या है मैन का नीड रनिंग का नहीं है वो जिस एनवायरनमेंट में रहता है वहां पे उसको चीजें पकड़नी होती हैं तो उसका फंक्शन क्या हो गया ग्रेस्पिंग हो गया ऐसे ही चीता कहाँ रहता है ग्रासलैंड में रहता है उसको अपने प्रे के पीछे दौड़ना पड़ता है ताकि वो अपने प्रे को अपने शिकार को पकड़ सके तो उसको रनिंग चाहिए वेल वाटर में रहती है तो वो रनिंग तो नहीं कर सकती रनिंग तो नहीं करेगी ना अगर वेल तुम्हारे को रनिंग करते हुए दिख गई तो तुम सोचो क्या कितना फनी होगा तो वेल क्या है वेल स्विमिंग कर रही है और बैट वही क्या कर रहा है बैट स्विमिंग तो नहीं कर सकता ना वो तो एयर एयरबोरियल है ये सोनो तो वो फ्लाई करेगा तो यहाँ पर हमारे फंक्शंस चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू आर नीड्स तो हमारे पास में जो हमने क्या बनाया अभी ये फ्लो चार्ट बनाया है ये जो हमने डायग्राम बनाया है इस हिसाब से हमारे पास में जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम है लेकिन फंक्शन और नीड के हिसाब से हमारे को इनवायरमेंट के हिसाब से क्या करना पड़ रहा है अडेप्ट करना पड़ रहा है इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या करना पड़ रहा है मैन रह रहा है लैंड पे चीता रहता है ग्रासलैंड में वेल रहती है एक्वेटिक सिस्टम में वाटर में एंड बैट रहता है हवा में तो इन्वायरमेंट के हिसाब से हमारे को क्या करना पड़ रहा है इन्वायरमेंटल नीड है ये हमारी इन्वायरमेंट की नीड है इन्वायरमेंट का अडेप्टेशन है वहां पर हमारे को एडजस्ट करने के लिए और फिट बनने के लिए सरवाइव करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा नई हैबिट अडेप्ट करनी पड़ेगी यस और नो तो एक पॉइंट से जब हम दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल नीड्स एंड अडेप्टशन इसको हम बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन क्या बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं अब ऐसा ही आपको पता है कि जो डार्विन है उन्होंने बोला था कि भाई मैं तो अपनी शिप उठाऊंगा और मैं पूरे दुनिया के चक्कर लगा के आऊंगा यस और नो पूरी दुनिया के उन्होंने राउंड लिए थे फाइव ईयर्स लगाए थे उन्होंने एंड इन ईयर्स में इस जर्नी में उन्होंने ये देखा कि उनको एक आइलैंड मिला जिसको बोला गैलपगोस आइलैंड क्या मिला गैलापोज आइलैंड तो अब डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किया डार्विन ने ऑब्जर्व किया कि एक आइलैंड था गैलापगोज आइलैंड ठीक है इस गैलापगोज आइलैंड पे उन्होंने एक बर्ड की स्पीशीज को देखा क्या देखा एक बर्ड की स्पीशीज को देखा ठीक है एक ब्लैक कलर की बर्ड को देखा ठीक है एंड फिर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो ब्लैक कलर की बर्ड है इनके पास में ऐसी और भी बर्ड्स हैं जिन्होंने क्या देखा जिनमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बीक्स थी क्या थी डिफरेंट डिफरेंट बीक्स थी अब अगर हम यहाँ बात करें कि डिफरेंट डिफरेंट बीक्स क्यों हुई तो उन्होंने ये देखा कि एक कॉमन बर्ड स्पीशी है एक कॉमन क्या है बर्ड स्पीशी है अब उसमें ये बर्ड्स की जो बीक्स है ना ये मॉडिफाई हो गई हैं जो बर्ड्स की बीक्स थी ये चेंज हो गई थी क्यों चेंज हो गई थी ड्यू टू दी चेंज इन अवेलेबल फूड जो खाना उनको उनके इनवायरमेंट में मिल रहा था उसी हिसाब से उनकी धीरे धीरे क्या हो गई बीक्स चेंज हो गई अब कुछ उनमें क्या थे कुछ बर्ड्स उनमें थी हमारी सी डीटर्स कैसी थी सी डीटर्स थी जो सीड्स खाती थी तो इनके पास में क्या होगा जो सीड्स खाने वाली बीक होंगी वैसी बीक्स होंगी ठीक है कुछ हमारे पास में क्या थी कैक्टस फीडर्स थी कैसे थी कैक्टस के ऊपर फीड करती थी तो उनके पास में वैसी बीक होंगी ठीक है अभी हम आगे क्या देखेंगे इसकी इमेज भी देखेंगे कुछ बीक ऐसी थी या कुछ बर्ड्स ऐसी थी जो क्या फीड करती थी इंसेक्ट फीडर्स थी जो इंसेक्ट्स को खाती थी बात समझ में आ रही है कुछ ऐसी हमारे पास में बर्ड्स थी जो इंसेक्ट को खाती थी और कुछ ऐसी बीक्स बर्ड्स थी हमारे पास में जिनकी बीक्स किसमें काम आती है किसमें काम आती है होल बियरिंग में काम आती है किसमें काम आती है होल बियरिंग में काम आती है कि मतलब पेड़ है उसमें क्या करने के लिए गड्ढा बनाने के लिए उनकी बीक्स काम आती हैं ठीक है ठीके? तो वो क्या होंगी डिगिंग बीक्स भी बोल सकते हो या फिर आप उनको क्या बोल सकते हो शार्प बीक्स फॉर डिगिंग फॉर डिगिंग या मेकिंग होल ठीक है ऐसी बीक्स थी राइट right? एंड कुछ यहां पर थी जो लार्ज ग्राउंड पे फीड करती थी ग्राउंड फीडर्स थी कैसी थी ग्राउंड पे फीड करने वाली थी और yes नो no. तो यहाँ पर उन्होंने क्या देखा एक कॉमन बीड की बर्ड की काफी सारी स्पीशीज थी और वो स्पीशीज में क्या था अलग अलग बीक्स थी क्यों थी बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन अवेलेबल फूड डिफरेंस इन अवेलेबल फूड जो फूड अवेलेबल था उसमें क्या था डिफरेंस था किसी को इंसेक्ट मिले मत खाने के लिए किसी को सीड मिले तो उनको आ, ऐसी बीक्स चाहिए जो कि उन सीड्स को क्या कर सकें क्रश कर सके तो क्रशिंग वाली बीक्स बन गई किसी के पास में छोटी बीक्स थी तो इंसेक्ट से खा सकते हैं इंसेक्ट खा सकते हैं किसी को फ्रूट खाना है तो फ्रूट को अगर डिग करना है तो वो वाली बीक उनको मिली किसी को जैसे कि वुड पैकर जो होती है तो पैकिंग बीक्स उनको मिली स्ट्रॉन्ग बीक्स होंगी वो जो कि आपके लिए गड्ढा बना सकती हैं यस और नो तो यहां पर क्या हुआ अगेन इनवायरमेंट में चेंज की वजह से इनवायरमेंट में चेंज की वजह से क्या हुआ एक अडेप्टेशन आया क्या हुआ एक अडेप्टेशन आया और इन्हीं अडेप्टेशन की वजह से इन बर्ड्स में क्या हुआ चेंज हुई और क्योंकि डार्विन ने इनको देखा था अब भाई डार्विन तो थे बहुत बड़े इंसान ठीक है जब डार्विन ने इनको देख लिया तो इन बर्ड्स का नाम क्या पड़ गया डार्विन डार्विन फिंचेस फिंचेस पड़ गया तो ऑन आइलैंड करके एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट गया, गया। किसके लिए अडेप्टिव रेडिएशन के लिए कि हमारा एंसेस्टर कॉमन है जो हमारे क्या है फोर फादर्स है वो हमारे कॉमन फोर फादर्स है आ रही है बात समझ में कि हम आए जो डिसेंड हुए हैं हमारे जो एंसेस्टर है वो हमारे कॉमन है लेकिन हम अलग अलग जगह हो गए अब आपने बहुत बार ऐसी फैमिलीज देखी होगी जहाँ पे जिनके फादर तो मे भी रहते हैं जिनकी जो पेरेंट्स है वो रहते हैं कहाँ पर वो रहते हैं जयपुर में लेकिन उनके बच्चे कहाँ चले गए हैं पूरे राजस्थान में स्प्रेड हो गए हैं स yes, अगर राजस्थान में नहीं स्प्रेड हुए तो ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड हो गए अब मान लो एक हो गया है कश्मीर में एक चला गया है uh, में, एक चला गया बंगाल की तरफ एक चला गया है थोड़ा सा वेस्ट की तरफ और फिर जब वो वापस आते हैं तो उनमें ऐसा नजर आता है कि जो साउथ में गया है वो थोड़ी थोड़ी उसकी जो लैंग्वेज है जो रहना सहना है वो साउथ की तरह हो जाता है आप देखते हो ना आपके कितने सारे फ्रेंड्स होंगे जो uh, थे तो आप ही के साथ में लेकिन अब साउथ में चले गए तो उनकी टोन में क्या आ जाता है थोड़ा सा साउथ इंडियन वाला एक्सेंट आ जाता है जो कश्मीर

रेडिएशन तो आज आप देख लेते हैं कि वॉट इज अडेप्टिव रेडिएशन सो डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शनल स्ट्रक्चर अलग हो गए ना यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शनली फंक्शनैलिटी उनकी डिफरेंट है तो डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर फ्रॉम अ कॉमन एनसेस्ट्रल फॉर्म राइट फ्रॉम अ कॉमन एनसेस्ट्रल फॉर्म से हम एक अलग सा फंक्शनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसका फंक्शनल अलग है फंक्शन अलग है राइट एंड दिस वाज डेवलप्ड बाय एच एफ ओस्बर्न ठीक है अब एडाप्टिव रेडिएशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन सा है हमारा होमोलोगस ऑर्गन्स ठीक है तो यहाँ पर जब डार्विन की हम बात करते हैं डार्विन के बर्ड्स की फिंचेस की जब हम बात करते हैं तो उनमें कॉमन क्या था दे हैड अ कॉमन एंसेस्टर बट क्यों अब उनके पास में क्या है अलग-अलग बीक्स हैं क्यों है अलग-अलग बीक्स हैं क्यों क्योंकि उनकी जो फूड हैबिट्स है जिनका अवेलेबल खाना था वो क्या था डिफरेंट था उनका जो अवेलेबल फूड था वो क्या था डिफरेंट था बात समझ में आ रही है किसी को क्या मिल रहे थे किसी को सीड्स मिल रहे थे किसी को इंसेक्ट्स मिल रहे थे यस और नो किसी को क्या मिल रहा था कैक्टस मिल रहा था राइट right? किसी को क्या करना था वुड पैकिंग करना था तो उसके लिए अलग हमारे पास क्या आई आए। तो इन सारी हैबिट्स के अकॉर्डिंग फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग उनकी बीक्स भी क्या हो गई मॉडिफाई हो गई ठीक है तो अपने कॉमन एनसेस्टर्स से क्या हो गए थोड़े थोड़े अलग हो गए अब ऐसी एक स्टोरी है कि भाई हमारे पास में क्या ना, नाइट जो एक, एक नॉर्मल एनिमल था ठीक है अब नॉर्मल एनिमल में क्या हुआ बहुत सारे उसका पाप्यूलेशन ज्यादा थी अब पॉपुलेशन में खाना जो अवेलेबिलिटी थी वो काफी कम थी तो कंपटीशन होता था तो उनमें से कुछ लोगों ने दिमाग लगाया कुछ एनिमल्स ने दिमाग लगाया कि ये सारे जानवर जो हमारे लोग हैं ये सारे खाते हैं दिन में अगर हम रात को खाएं रात को निकल के खाएं तो हमें खाना मिल जाएगा खाना भी मिलेगा कंपटीशन भी हमारा कम हो जाएगा तो ऐसे किया ऐसे करने की वजह से क्या हुआ जो लोग जो उनमें से एनिमल्स रात को एक्टिव होने लगे तो उनको क्या क्या चैलेंजेस आने लगे कि भाई रात को लाइट कम होती है तो उनकी आंखें थी तो धीरे धीरे बड़ी हो गई टू ऑर्गेनिज्म क्यों एक जो दिन में खाना खाते हैं और उनकी आईज छोटी छोटी हैं दूसरा जो रात में खाना खाते हैं रात में एक्टिव होते हैं और उनकी बड़ी बड़ी आंखें बात समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सो so, ऐसे ही हमारे को हमारे इनवायरमेंट के हिसाब से क्या करना पड़ता है अडेप्ट करना पड़ता है आ रही है बात समझ में तो so, डार्विन ने क्या बोला डार्विन ने इन हमारी बर्ड्स को अलग अलग क्या कर दिया मेजरली सिक्स ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ठीक है देखो क्या सिक्स ग्रुप्स हमारे पास में एक लार्ज ग्राउंड फिंच जो ग्राउंड पे रहती है और ग्राउंड पे खाना खाती है एक हमारी कैक्टस फीडर्स राइट right, जो कि कैक्टाई के ऊपर फीड करती हैं एक हमारी वेजिटेरियन ट्री फिंचेस ठीक है जो ट्री के ऊपर रहती हैं फिर हमारे पास में कौन सी आ जाएंगी जो इंसेक्ट्स खाती टूल यूजिंग या फिंचेस साथ ही में फिंचेस सीड ईटिंग इनके कौन थे जो फिंचेस थे दे वर सीड ईटिंग बात समझ में आ रही है तो उनसे हमारे पास क्या आ गए लार्ज ग्राउंड वाले आ गए आ, हमारे पास में हरबी बोर वाले आ गए जो पेड़ पे रहती है पेड़ का खाना खाती है हमारे पास कैक्टस खाने वाले आ गए वेजिटेशन ट्री वाले वेजिटेरियन ट्री पे खाने वाले आ गए इंसेक्ट खाने वाले आ गए वॉर्बलर आ गए एंड वुड पैकर्स आ गए मेजर सिक्स हेड्स ये हो गए तो यहां पर देखा कि जो हमारे पास बीक्स थी वो वेरायटी ऑफ बीक्स हमारे को मिलनी यहाँ पर स्टार्ट हो गई ठीक है अब अगर, अगर अगर आप इस डायग्राम को देखो तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में फ्रूट ईटर्स भी हैं यस फ्रूट ईटर्स भी हैं इंसेक्ट ईटर्स भी है कैक्टस ईटर्स भी हैं, हैं। भी को है। को क्या चाहिए चाहिए होगा? जो beaks, hard, hard beaks, uh, को करने में मदद करें एंड फ्रूट ईटर्स को क्या चाहिए होगा फ्रूट ईटर्स को हमारे पास कैसी बीक चाहिए होगी फ्रूट कौन खाता है हमारा फ्रूट कौन सा बर्ड खाता है हमारा पैरट उसकी बीक कैसी होती है हमारे पास में उसकी बीक कैसी होती है कुछ ऐसी बीक होती है रेड कलर की पैरट की तो जो फ्रूट ईटर्स होते हैं उनके पास लाइक बीक्स -like आ गई जो इंसेक्ट ईटर्स होते हैं लार्ज इंसेक्टीवोरस जो होते हैं उनके पास कैसी आ गई ग्रास्पिंग वाली आ गई जो मतलब ऐसा, के ऐसा ऐसा पकड़ ले ऐसी वाली बीक्स आ गई ठीक है राइट right? एंड फिर हमारे पास कौन से थे कैक्टस ईटर्स थे जिनके पास में जो कैक्टस खाते थे कैक्टस ग्रुप वाले फिंचेस कैक्टस को क्या करना पड़ता है डिग इन करना पड़ता है थोड़ा सा ठीक है कैक्टस कैसा होता है सैक्यूलेंट होता है थोड़ा डिग इन करना पड़ता है तो उनके पास में प्रोबिंग बीक्स थी राइट बिल्स मतलब यहाँ पर बिल्स का क्या मतलब है बिल्स मतलब बीक्स ठीक है हॉर्न बिल होती है ना हॉर्न बिल क्या होती है एक बर्ड होती है तो उसके पास भी क्या होती है बिल मतलब बीक राइट right? फिर कैक्टस ईटर्स है फिर हमारे पास में सीड ईटर्स हैं जिनको क्या करना होता है सीड कौन खाता है सीड जमीन पे पड़े रहते हैं ना आप क्या जाते हो कबूतर को जाते हो और ऐसे बाजरा फेंकते हो सीड्स फेंकते हो वो तो ग्राउंड फीडर्स हैं वो सारे यस और नो तो उनके पास में कुछ ऐसी सी बीक्स होती है ग्राउंड फिंचेस की यस yes? तो हमारे पास जो फूड अवेलेबल है हमारी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग हमारे अंदर चेंजेस आ गए अब अगर आप देखो तो ये चेंजेस आपको एनिमल्स में भी मिलेंगे अब अगर आप काउ को कंपेयर करो काउ के टीथ कंपेयर करो और जो एनिमल्स मीट खाते हैं उनके टीथ को कंपेयर अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा के पास में तो आपको एक नॉर्मल स्ट्रेट टीथ मिलेंगे जो कि च्यूइंग एंड कटिंग टीथ होंगे लाइक राइट लेकिन अगर आप डॉग्स में जाते हो कैट्स में जाते हो लायन फैमिली में जाते हो फिलइन फैमिली में जाते हो कैट वाली फैमिली में जाते हो जो मीट खाते हैं उनके पास कैसे टीथ होते हैं शार्प एंड पॉइंटेड टीथ कैसे होते हैं हमारे पास अगर हम हर्बी वोर्स की बात करें हरबी वोरस एनिमल की अगर हम यहाँ बात करते हैं किसकी बात करते हैं हरबी वोरस एनिमल्स की बात करते हैं तो उनके पास जो टीथ होते हैं वो यूजुअली कैसे होते हैं ऐसे होते हैं फ्लैट एंडेड टीथ होते हैं येस और नो क्या होते हैं फ्लैट एंडेड टीथ क्योंकि इनका काम क्या होता है च्यूइंग एंड कटिंग का काम आता है च्यूइंग एंड कटिंग का काम आता है बाइटिंग में काम आता है लेकिन जो हमारे पास कार्निवोरस एनिमल्स है हमारे कौन सा एनिमल्स है कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनमें क्या हो रहा है उनमें हमारे पास में बाइटिंग के तो टीथ होते हैं लेकिन साथ में शार्प टीथ भी होते हैं कटिंग टीथ क्या होते हैं शार्प टीथ भी होते हैं कटिंग टीथ जिनको हम क्या बोलते हैं केनाइन्स और इसी पे डॉग्स का नाम पड़ा है केनाइन फैमिली बात समझ में आ रही है तो यहाँ पर क्या है जो मीट ईटिंग होते हैं जो क्या है मीट ईटिंग होते हैं राइट right? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है जो कि क्या है आपके मीट ईटिंग एनिमल्स हैं क्योंकि उनको मीट खाना है मीट को टीयर करना पड़ता है तो ये किस में काम आते हैं हमारे टियरिंग में काम आते हैं टियरिंग द मीट टीयरिंग मीट में काम आते हैं तो उसके लिए हमारे को शार्प टीथ चाहिए है कि नहीं है चलिए तो फिर हमारे पास में यहां पे डार्विन ने एक्सप्लेनेशन क्या दिया डार्विन ने एक्सप्लेनेशन दिया कि जो अडेप्टिव रेडिएशन है वो क्या करता है ऐसे डेवलप करता है एनिमल्स को कि कॉमन एंसेस्टर से वो आ रहे हैं लेकिन अपने हैबिट्स और की वजह से वो अलग अलग हो जाते हैं ऐसा ही एक, एक उन्होंने और दिया ऑस्ट्रेलियन का किसका आपने अगर आपकी एनसीआरटी बुक उठाई होगी तो बीच में मार्सुपियस का क्या बना होगा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियस का एक ऐसा रेडियल चार्ट बना होगा अभी अपन यहां पे भी देखेंगे तो वहां पर भी क्या हुआ कि एक कॉमन एंसेस्टर से बहुत सारे अलग अलग तरीके के मार्सूपियल बन गए ओरिजिनेट हो गए कोई ट्री पे रहता था कोई स्पाइनी एंटीटर था कोई चूहे जैसा था कोई बरोइंग एनिमल था कोई हमारा फ्लाइंग था फ्लाइंग ग्लाइडर था मार्सूपियल ठीक है तो यहाँ पर डार्विन क्या एक्सप्लेन करके गए दैट अडेप्टिव रेडिएशन गेव राइज टू अराइटी ऑफ मार्सूपियल्स मार्सुपियल मार्सुपियल कौन होते होते हैं हैं वो जिनके बेबीज आ जाते हैं और उनके पास में क्या होता है एक ब्रूड पाउच होता है इस ब्रूड पाउच के अंदर उनके पास में उनके टीट्स होते हैं जो कि मिल्क प्रोवाइड करते हैं सबने कैंगरू देखा है ना अभी देखो नेक्स्ट में ये सबने कैंगरू देखा है कैंगरू के पास में क्या होता है एक पॉकेट होता है यहाँ पे जिसमें उसका प्रीमिच्योर बेबी पैदा होते ही आ जाता है बात समझ में आ रही है और इसी ब्रूड पाउच के अंदर क्या होता है जैसे मान लो अगर ये कैंगरू की बॉडी है तो यहाँ पर क्या होंगे उसके मेमोरी ग्लैंड होंगे राइट ये पाउच है अगर इसके अंदर इसके मेमोरी ग्लैंड होंगे और यही इनका क्या रह रहा होगा यही इनका बेबी भी रह रहा होगा बेबी पैदा होने के बाद इसमें आ जाता है ठीक है और ये जो बेबी है ये इन टीट से फीड करता है जब तक कि वो मदर की बॉडी से अलग नहीं रह सकता तब तक वो यहाँ पे रहता है और उसका थोड़ा बहुत जो डेवलपमेंट है वो यहीं पे होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं मार्सुपियल्स कहते हैं जो थोड़ा प्रीमैच्योर पैदा हो जाते हैं लेकिन अपने मदर के ब्रूड पाउच के अंदर रहते हैं ऐसे टिल द टाइम दे आर डेवलप्ड टू कम आउट ऑफ देयर बॉडीज राइट तो यहां पर डार्विन बोल के गए दैट एडाप्टिव रेडिएशन की वजह से ही एक कॉमन मार्सुपियल से बहुत सारे कौन से मार्सुपियल आ गए पाउच मैमल्स आ गए इन ऑस्ट्रेलिया एंड इन द सेम प्रोसेस ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन जो कि डार्विन की के डेवलपमेंट में देखा गया था तो ऐसा ही हमारे को क्या देखा गया में हमने देखा कि हमारे पास में क्या है मार्सुपियल का भी अडेप्टिव रेडिएशन की वजह से क्या हुआ है अडेप्टिव रेडिएशन की वजह से मार्सुपियल में भी बहुत सारे स्पीशीज हो गए हैं जैसे कि कुछ हमारे पास में प्लांट्स

एनवायरमेंट के हिसाब से अलग अलग तरीके से ये रहने लगे हैं ठीक है बात समझ में आ गई वॉट दिस इज अडेप्टिव रेडिएशन क्या है ये दिस इज अडेप्टिव रेडिएशन जिनके पास स्ट्रक्चर सेम है लेकिन उनका फंक्शन क्या हो गया है अलग हो गया है बिकॉज ऑफ देयर नीड्स तो इतनी बात समझ आ गई तो ऐसे ही हमारे पास में अडेप्टिव रेडिएशन का दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है जहां पर हम देखते हैं हमारे मैमल्स में लोकोमोशन आप चीता की बात करो चीता के पास में जो आ, उनके फोर लिम्स हैं वो लोकोमोशन में काम कर रहे हैं लेकिन वो किस में काम कर रहे हैं रनिंग में काम कर रहे हैं तो अडेप्टन अलग हो गई अडेप्टिव रेडिएशन हो गया स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन अलग है आप मैन में देख लो फंक्शन अलग है आप वेल में देख लो फंक्शन अलग है बात समझ में आ रहा अब डॉल्फिन में देख लो डॉल्फिन में भी क्या है फंक्शन अलग है इतनी बात समझ में आ गई चलो आगे बढ़ते हैं तो यहां हमारा आता है एक बिल्कुल ही नया टॉपिक जो कि अडेप्टिव रेडिएशन से बिल्कुल उल्टा था अब एनोलॉगस ऑर्गन में क्या हो रहा था अगर हम किसकी बात करें एनोलॉगस ऑर्गन्स की बात करते हैं यहां पर एनालोग ऑर्गन्स उनमें क्या हो रहा था याद करके बताओ हमने किसका किसका एग्जाम्पल पढ़ा था एनोलॉगस ऑर्गन में हमने किसका पढ़ा था विंग्स ऑफ बटरफ्लाई का पढ़ा था विंग्स ऑफ बटरफ्लाई का पढ़ा था एंड हमने बात करी थी विंग्स ऑफ विंग्स ऑफ बर्ड की बात करी थी यस yes? अब बटरफ्लाई क्या है बटरफ्लाई इंसेक्ट है बटरफ्लाई इंसेक्ट है बर्ड क्या है एव्स है आर्थ्रोपोडा एव्स आर्थ्रोपोडा क्या है इनवर्टिब्रेट है बर्ड क्या है वर्टिब्रेट है बिल्कुल ही अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म है लेकिन विंग्स बटरफ्लाई के भी क्या करने में मदद करते हैं फ्लाइंग करने में मदद करते हैं क्या करने में मदद करते हैं फ्लाइंग करने में मदद करता और विंग्स ऑफ बर्ड भी क्या करने में मदद करते हैं फ्लाइंग करने में मदद करते हैं बात समझ में आ रही है सो फ्रॉम टू अनरिलेटेड ग्रुप्स

आ रही है बात समझ में ठीक है तो हमारे पास में यहां क्या है डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर फंक्शनल स्ट्रक्चर बट अनेटेड ग्रुप वाले ऑर्गेनिज्म में बात समझ में आ रही है क्या क्या एग्जाम्पल्स हमने पढ़ सकते हैं या क्या किस में आ सकता है विंग्स का एग्जाम्पल आ सकता है इंसेक्ट के बैट्स के बर्ड के ठीक है एंड यहां पर हमारे पास दूसरे कौन से हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिय जो कि ब्रूड पाउच में अपने बेबी को क्या करते हैं ब्रूड पाउच में अपने बेबी को टेक केयर करते हैं एंड दूसरे कौन से हमारे पास में प्लासेंटल में जो कि क्या करते हैं कन्वर्जेंस शो करते हैं जो कि क्या करते हैं कन्वर्जेंस शो करते हैं अब यहां पर आप एग्जांपल ले सकते हैं प्लासेंटल तस्मानियन वुल्फ मार्सुपियल का किसका प्लासेंटल जो कि प्लासेंटल मैमल है एंड तस्मानियन वुल्फ बात समझ में आ रही है तो यहां पर अगर हम देखें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल तो हमारे पास में क्या है बैट के विंग्स उड़ने में मदद कर रहे हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर है बर्ड बर्ड के विंग्स हैं फ्लाइंग 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 में मदद कर 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 रहे यहां पर ये क्या क्या रहा रहा है 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 भी रही रही एंड इंसेक्ट भी क्या कर रहा है फ्लाइंग कर रहा है और तीनों के पास स्ट्रक्चर कैसे हैं? अलग अलग स्ट्रक्चर है लेकिन फंक्शन एक ही है कॉमन पॉइंट पे आ रहे हैं कन्वर्ज करने इसको क्या बोलेंगे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है फिर हमारे पास में यहाँ पर क्या है जो स्पाइनी एंटीटर्स और स्केली एंटीटर्स है ये बिल्कुल ही अनरिलेटेड है बिल्कुल ही अनरिलेटेड क्लास ऑफ मैमल्स हैं एक मार्सुपियल मैमल है और एक प्लेसेंटल मैमल है बात समझ में आ रही है जो स्पाइनी टीटर है वो क्या है अभी हमने पीछे देखा था हमारे पास में स्पाइनी टीटर है और हमारे पास में दूसरा क्या है यहाँ पे स्केली टीटर है बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड नहीं है लेकिन इन्होंने सिमिलर अडेप्टेशन को अडेप्ट किया है क्योंकि इनको खाना एक जैसा मिल रहा था इनको खाने में मिल रहे थे ants टर्माइट insects तो ये क्या हो गए एक कॉमन इन्होंने अडेप्टेशन यूज कर लिया ठीक है अब यहां पर अगर आप बात करोगे इनकी जहां पर हम क्या बोल रहे हैं अडेप्टिव कन्वर्जेंस की तो जो हमारे पास मोल है जो हमारे पास में प्लेसेंटल मोल है और मार्सुपियल मोल है इन दोनों का काम क्या है बरोइंग का काम है आ रही है बात समझ में मतलब कि दोनों अनरिलेटेड है मतलब काम एक कर रहे हैं फंक्शन एक कर रहे हैं बरोइंग का एंटीटर है और नंबैट है दूसरा एंटीटर है स्पाइनी एंटीटर एंड स्केलिया एंटीटर वो क्या है उसके पास में स्केल है ये स्पाइनी एंटीटर है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है लेकिन दोनों एंटीटर है खाते एंडस को टर्माइस को ठीक है कॉमन फंक्शन माउस लाइक जो एक मार्सुपियल माउस और एक नॉर्मल माउस होएगा माउस लाइक टेरेस्ट्रियल लेमूर और हमारे पास में स्पॉटेड कस्कस कस्कस है 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 स्पॉटेड हमारा क्या है? एक मार्सुपियल बात समझ में आ रही है अर्बोरियल ग्लाइडर्स मतलब दोनों फ्लाइंग करने वाले हैं तभी मार्सुबियल में हमने क्या देखा था मार्सुपियल में हमने देखा था शुगर ग्लाइडर वो क्या था शुगर ग्लाइडर था फ्लाइंग पैलेंजर और ये हमारा नॉर्मल फ्लाइंग स्क्विरल है आ रही बात समझ में और अभी हम एक एग्जाम्पल पढ़ के आए हैं कैनाइन हरबी बोर का जहां पर हमारे पास में प्लेसेंटल वुल्फ 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 और तस्मानियन 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 है सो इज इज अ मार्सुपियल अ मार्सुपियल वुल्फ बट लेकिन वो है क्या कैनाइन हरबी बोर है बात करें अगर हम कैट फैमिली की तो जो बॉब कैट है वो भी फिलाइन हरबी वोर है और तस्मानियन टाइगर कैट है वो भी क्या है हमारी फिलाइन हरबी बोर है तो कॉमन हैबिट्स आ रहे हैं यहां पर ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अनरिलेटेड ग्रुप्स फॉलोइंग कॉमन फंक्शंस परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शंस अलग अलग जगह से लोग एक कॉमन फंक्शन पे आकर कन्वर्ज कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं अडेप्टिव कन्वर्जेंस क्यों कर रहे हैं क्योंकि उनके इन्वायरमेंट में वही उनको मिलता है उसी हिसाब से उनको अडैप्ट करना है इसलिए इसको क्या बोला है अडेप्टिव कन्वर्जेंस बोला है इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आई इतनी बात समझ में तो ये था हमारा अडेप्टिव रेडिएशन एंड अडेप्टिव कन्वर्जन अडेप्टिव रेडिएट करना मतलब एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में जाना क्योंकि आपका एनवायरमेंट ये नीड मांगता है अडेप्टिव कन्वर्जेंस मतलब अलग अलग पॉइंट से एक पॉइंट पे कन्वर्जन करना क्योंकि आपका एनवायरमेंट यही आपको प्रोवाइड करता है कितना इजी सा कॉन्सेप्ट है ना ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम मिलने वाले हैं आपके साथ में थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन से मिस मत करना बहुत सारे लोग ऐसे अपना सर पकड़ के खुजलाने लगते हैं उन थियोरीज को पढ़ने के बाद में लेकिन अपन पढ़ेंगे यहां बिल्कुल ही आसान तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बोर्ड में इसका क्वेश्चन भी बन के आता है एंड इसलिए बोल रही हूं क्लासेस को अच्छे से अटेंड करना है क्योंकि जो आपके बिल्कुल टफ कॉन्सेप्ट उसको अपन ऐसे चुटकियों में निकाल देंगे तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय बाय